हेलो एवरीवन, दिस इज अर्चना एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन द इंक्लूसिव जोन चैनल। तो आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड। टीचिंग एप्टीट्यूड में व्हाट इज टीचिंग एंड एस्पेक्ट्स ऑफ टीचिंग हम पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर वो वीडियोस आपने ना देखी हो तो उन वीडियोस को देखिए, जिससे आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए। टीचिंग एप्टीट्यूड सिर्फ और सिर्फ आपके नेट पेपर के लिए ही नहीं, बल्कि असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम के लिए भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। जो टॉपिक्स आपके नेट के एग्जाम में पूछे जाते हैं, वही सेम टॉपिक्स आपके असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में भी आते हैं। और इसी के साथ रिसर्च एप्टीट्यूड के ऑल द पार्ट्स, ऑल द टॉपिक्स ऑलरेडी मैं कवर कर चुकी हूँ। हर एक टॉपिक को मैंने डिटेल में विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ समझाया हुआ है। उसकी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, उस प्लेलिस्ट से जाके आप रिसर्च एप्टीट्यूड की वीडियोज़ को देख सकते हैं। और रिसर्च एप्टीट्यूड आपके पेपर वन में भी आता है, साथ ही साथ आपके पेपर टू में भी आता है। तो दोनों जगह आपके रिसर्च एप्टीट्यूड के टॉपिक सेम रहते हैं। तो आप उन वीडियोस को देखिए, जिससे आपका रिसर्च एप्टीट्यूड भी कंप्लीट हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि टीचिंग एप्टीट्यूड में आज हम पढ़ेंगे नेचर ऑफ टीचिंग या करेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग। तो नेचर और करेक्टरिस्टिक्स मैक्सिमम आपको हर जगह सेम मिलेंगी, इसलिए मैं दोनों चीजों को एक साथ कवर करूंगी। तो नेचर और करेक्टरिस्टिक्स क्या है टीचिंग की, ये हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले करेक्टरिस्टिक या नेचर है आपका, टीचिंग इज बोथ आर्ट एज वेल एज साइंस। टीचिंग क्या है? टीचिंग आर्ट भी है और साइंस दोनों है। अब इन टर्म्स का मतलब समझते हैं कि टीचिंग आर्ट क्यों है और साइंस क्यों है। टीचिंग आर्ट इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये क्या है, एक कला है पढ़ाने की। यानी हर एक इंडिविजुअल का जो पढ़ाने का जो तरीका होता है वो अलग अलग होता है, किसी के भी पढ़ाने का तरीका एक जैसा नहीं होता है। इसलिए ये क्या है, एक आर्ट है ना। अब इसको साइंस किस लिए बोला जाता है? साइंस इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें हम वेरियस टेक्निक्स, वेरियस स्टेप्स फॉलो करते हैं पढ़ाने के लिए, है ना। इसलिए इसको टीचिंग को बोथ आर्ट और साइंस बोला गया है। आर्ट इसलिए बोला गया है क्योंकि हर एक इंडिविजुअल के पढ़ाने का तरीका अलग होता है। नए नए इनोवेटिव मेथड्स ला के, नई नई चीजों को हम अप्लाई करते हुए बच्चों को पढ़ाते हैं, इसलिए वो आर्ट है। और साइंस इसलिए है क्योंकि इसमें हम वेरियस टेक्निक्स, वेरियस स्टेप्स फॉलो करते हुए बच्चों को पढ़ाते हैं, है ना, कि किस स्टेज पे बच्चे को हम किस तरीके का कैसे पढ़ाएंगे। अब वो जो बच्चा एडल्टहुड है, या बच्चा चाइल्डहुड की स्टेज में है, या बच्चा प्री प्राइमरी में पढ़ रहा है, तो हर एक स्टूडेंट को, हर एक लेवल के बच्चों को पढ़ाने का जो प्रोसेस है वो अलग है। इसलिए टीचिंग को साइंस बोला गया है ना। तो क्या है, टीचिंग इज आर्ट एज वेल एज साइंस। देन आपका नेक्स्ट नेचर है एन इंटरैक्टिव प्रोसेस। पिछली वीडियो में टीचिंग इज एन इंटरैक्टिव प्रोसेस, इसको मैंने डिटेल में ऑलरेडी अब बताया हुआ है, तो दोबारा उसको रिपीट करने से कोई मतलब नहीं है। अगर जो वो टीचिंग की व्हाट इज टीचिंग एंड एस्पेक्ट्स ऑफ टीचिंग की वीडियो आपने ना देखी हो तो उस वीडियो को जरूर देखिए। देन आपका थर्ड पॉइंट हैव वेरियस फॉर्म्स एंड स्टाइल्स, है ना। जो बात मैंने फर्स्ट वाले उसमें बताई पॉइंट में, वही बात आपके थर्ड पॉइंट में निकल के आ गई कि टीचिंग क्या है। टीचिंग में वेरियस फॉर्म्स होते हैं, वेरियस टेक्निक्स होती है, वेरियस स्टाइल्स होती हैं पढ़ाने की, टीचिंग करने की, ठीक। अब ये फॉर्म्स और स्टाइल्स, ये आगे हम बात करेंगे कि क्या टेक्निक्स हैं पढ़ाने की, कौन कौन से फॉर्म्स हैं, कौन कौन से स्टाइल्स हैं, ये आगे आने वाली वीडियोस में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें बताती जाऊंगी। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आप नेचर या करेक्टरिस्टिक की समझ लीजिए। देन है आपका इट इज अ कंटिन्यूइंग प्रोसेस। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, टीचिंग इज अ कंटिन्यूइंग प्रोसेस या टीचिंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। जो टीचिंग क्या है, सीखना और सिखाना, ठीक है। तो सीखना और सिखाना आपका जीवन पर्यंत चलता रहता है, कभी भी रुकता नहीं है। कोई जरूरी नहीं है कि आप क्लासरूम के अंदर ही चीजों को सीख रहे हो, आप क्लासरूम के बाहर आउटसाइड द वॉल्स भी बहुत सारी चीजें सीखते हैं। आप फॉर्मली भी सीखते हैं, आप इनफॉर्मल भी सीखते हैं, आप नॉन फॉर्मल तरीके से भी सीखते हैं। इसीलिए जो टीचिंग क्या है, टीचिंग आपका कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है।
सीखना और सिखाना कभी भी खत्म नहीं होता है, वो निरंतर चलता रहता है, ठीक है। देन आपका नेक्स्ट पॉइंट है, encourages students to learn more. टीचिंग ही एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो टीचर होता है, जो टीचिंग का जो प्रोसेस है उसमें जो टीचर है वो स्टूडेंट्स को इंकरेज करता है कि नई नई चीजों को सीखे, नई नई चीजों को जाने और अपनी लाइफ को प्रोडक्टिव बनाए, ठीक है। तो ये क्या है, इंकरेजेस स्टूडेंट्स टू लर्न मोर। टीचिंग ही एक ऐसा है जो स्टूडेंट्स को इंकरेज करता है, प्रोत्साहित करता है नई नई चीजों को सीखने के लिए। देन है आपका नेक्स्ट पॉइंट, इट इज अ टूल टू हेल्प स्टूडेंट्स टू एडजस्ट हिमसेल्फ इन द सोसाइटी। ये जो पॉइंट है आपका, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि टीचिंग एक ऐसा टूल है जिससे स्टूडेंट्स को या इंडिविजुअल्स को हेल्प मिलती है सोसाइटी में एडजस्ट होने के लिए, अपने एनवायरनमेंट में एडजस्ट होने के लिए। हमें कैसे दूसरों के साथ इंटरैक्ट करना है, हमें कैसे दूसरों के साथ बात करना है, सोसाइटी में नॉर्म्स को फॉलो करते हुए कैसे रहना है, तो ये सारी जो चीजें हैं वो टीचिंग ही सिखाती है बच्चों को, या टीचर ही सिखाता है बच्चों को कि सोसाइटी में कैसे एडजस्ट होना है, है ना, अपने आप को प्रोडक्टिव कैसे बनाना है। तो ये एक नेचर है, ये कैरेक्टरिस्टिक है टीचिंग का। देन आपका, टीचिंग इज फॉर्मल एज वेल एज इनफॉर्मल। जो टीचिंग है आपकी, ये फॉर्मल भी है, इनफॉर्मल भी है, और यहाँ पे एक पॉइंट और ऐड कर लीजिए, नॉन फॉर्मल भी है, नॉन फॉर्मल। तो टीचिंग इज योर फॉर्मल, इनफॉर्मल एंड नॉन फॉर्मल, ठीक है। अब इनको एजेंसीज ऑफ एजुकेशन भी बोला जाता है। अब हम बात करते हैं फॉर्मल की, तो फॉर्मल क्या है, फॉर्मल एजुकेशन क्या है, या फॉर्मल टीचिंग क्या होती है। फॉर्मल एजुकेशन में क्या होता है कि यहाँ पे हर एक चीज, हर एक एक्टिविटी पहले से ही डिसाइडेड होती है, यानी जितनी भी एक्टिविटीज पहले से प्री डिसाइडेड होती है, कितना सिलेबस हमें कवर करना है, यानी कि एक सेमेस्टर का कितना सिलेबस है वो पहले से ही डिसाइडेड होगा। आपका जो टाइम है ना, आपकी क्लास, आपका स्कूल सुबह 7 बजे से लेकर 2 बजे तक चलेगा, तो ये भी क्या है, पहले से ही प्री डिसाइडेड होता है। आपका टाइम टेबल पहले से प्री डिसाइडेड होगा, आपका सिलेबस पहले से प्री डिसाइडेड होगा, आपके एग्जाम्स पहले से प्री डिसाइडेड होते हैं। तो फॉर्मल टीचिंग क्या होती है, जब आपको स्कूल के अंदर रहते हुए, स्कूल की बाउंड्रीज में रहते हुए जो शिक्षा मिलती है, जो चीजें आप स्कूल के अंदर रहते हुए सीखते हैं विद फिक्स्ड करिकुलम, फिक्स्ड टाइम टेबल एंड फिक्स्ड टाइम के साथ, वो आपकी फॉर्मल एजुकेशन होती है, ठीक है। तो बेसिकली आपको ये याद रखना है, फॉर्मल एजुकेशन क्या है, जो आप स्कूल में रहते हुए प्री डिसाइडेड तरीके से जो चीजें सीखते हैं वो आपकी फॉर्मल एजुकेशन होती है। देन है आपकी इनफॉर्मल। इनफॉर्मल एजुकेशन क्या है, इनफॉर्मल एजुकेशन में आपका कुछ भी प्री डिसाइडेड नहीं होता है, ठीक है। आप कहीं भी किसी से भी कुछ भी सीख सकते हैं, वो आपके क्या है, इनफॉर्मल एजुकेशन के अंदर आती है, ठीक है। इनफॉर्मल एजुकेशन में कोई भी चीज पहले से ही प्री डिसाइडेड नहीं होती है, ना ही आपका फिक्स्ड करिकुलम होता है, ना ही आपके फिक्स्ड टाइम टेबल होता है, ना ही कोई फिक्स्ड एग्जामिनेशन होता है। तो इनफॉर्मल एजुकेशन कहीं भी किसी से भी आप सीख सकते हैं, ठीक है। जैसे आप अपनी फैमिली से कुछ ना कुछ सीखते हैं, आप अपने घर से बाहर निकलते हैं तो आप अपने नेबर से या अपनी सोसाइटी में रहते हुए कुछ सीखते हैं, तो ये आपकी इनफॉर्मल एजुकेशन होती है। देन आती है आपकी नॉन फॉर्मल एजुकेशन। अब नॉन फॉर्मल एजुकेशन क्या है, ये जो नॉन फॉर्मल एजुकेशन है ये आपका फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों का मिक्सचर होती है, ठीक है। यहां पे आप जैसे कि जो भी लर्निंग या जो भी एजुकेशन आप डिस्टेंस मोड से सीखते हैं, जैसे आप कोई चीज न्यूज़पेपर से सीख रहे हैं, आप अभी यूट्यूब से पढ़ रहे हैं, या आप यानी कि ऐसी एजुकेशन जो फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों का मिक्सचर होती है वो नॉन फॉर्मल एजुकेशन के अंदर आती है। जैसे आपके मूक्स हो गए, स्वयं हो गया, स्वयं प्रभा हो गया, इग्नू लर्निंग होगी, यूट्यूब हो गया आपका, ठीक है, और मैगजीन्स होंगी, रेडियो हो गया, इन सारी जगहों से जो भी चीजें आप सीखते हैं वो सारी एजुकेशन आपके नॉन फॉर्मल एजुकेशन के अंदर आती है।
तो इसीलिए यहाँ पे ये बोला गया है कि टीचिंग क्या है, फॉर्मल भी है, इनफॉर्मल भी है और नॉन फॉर्मल भी है। तो इन तीनों तरीके से हम बच्चे को पढ़ा सकते हैं, टीच कर सकते हैं। तो ये एक नेचर है टीचिंग का। तो जो आपके फॉर्मल, इनफॉर्मल और नॉन फॉर्मल है, ये एजेंसीज ऑफ एजुकेशन के अंदर भी आती है, इसलिए मैंने यहाँ पे आपको इतनी डिटेल में इनको बताया। तो ये कुछ पॉइंट्स और ये कुछ जो पॉइंट्स जो मैंने आपसे डिस्कस की, ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको आपके साथ डिस्कस किए हैं, जो आप अगर जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाएंगे तो कहीं ना कहीं ये पॉइंट्स आपको उन क्वेश्चंस में देखने को मिलेगा, उन ऑप्शंस में देखने को मिलेंगे, इसलिए इन पॉइंट्स को मैंने यहाँ पे रखा। तो नेचर क्या है टीचिंग का, टीचिंग आर्ट एज वेल एज साइंस दोनों है। टीचिंग एक इंटरैक्टिव प्रोसेस है। टीचिंग वेरियस फॉर्म्स एंड स्टाइल्स को फॉलो करते हुए की जाती है। टीचिंग कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है ना। टीचिंग इंकरेजेस स्टूडेंट्स टू लर्न मोर। इट इज अ टूल टू हेल्प स्टूडेंट्स टू एडजस्ट हिमसेल्फ इन द सोसाइटी, है ना। टीचिंग इज फॉर्मल एज वेल एज इनफॉर्मल एंड नॉन फॉर्मल। तो आई होप आपको नेचर ऑफ टीचिंग आसानी से समझ में आया होगा। अगर ना समझ में आया हो तो आप कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और आप जो भी पढ़ रहे हैं उन कॉन्सेप्ट से रिलेटेड आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जरूर लगाएं, क्योंकि जब तक आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं करेंगे तब तक आपको नहीं समझ में आएगा कि किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं। आपने पढ़ लिया और अगर जो आपने इसको अप्लाई नहीं किया तो आप हमेशा डिलेमा में रहेंगे कि इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा। इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाना आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।